देखो ना, सारे छोटे छोटे बच्चे से लग रहे हैं इस गाड़ी के आगे। ये तो है यार, सारी देखिए ना, सब सब की बिल्कुल छोटी लग रही है, बिल्कुल साइड से जा भाई, क्या हाल है? ठीक है। गेड़ी लावा चोरों, महंगी महंगी कारों में। जी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग हैं? आप सारे अच्छे होंगे, सब मजे कर रहे होंगे। तो यार गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोलता हूँ, जब उठो तभी सवेरा और जब व्लॉग मिल जाए तभी गुड मॉर्निंग। तो अभी जा रहा हूँ यार मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने। कौन सी गाड़ी? स्कॉर्पियो जो नई आई है, थोड़ी ऊँची, थोड़ी लंबी, थोड़ी चौड़ी, तो उसकी टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा हूँ। मैंने वो गाड़ी वैसे देख ली, चला के और देख लेता हूँ। जो मेरा वो वहाँ फ्रेंड लगा हुआ है वो कह रहे थे यार भाई आजा, सब व्लॉग डालने लग रहे हैं, आपका लेट हो जाएगा। मैं भाई मैं तो आ रहा हूँ, मैंने जल्दी से पानी गिरा, जल्दी कपड़े पहने और जल्दी से पार। तो अब उस गाड़ी को देखने जा रहा हूँ, काफ़ी प्यारी गाड़ी है वैसे, मैंने दिखाई दी है और आप लोगों ने देख भी ली होगी कहीं ना कहीं। तो टेस्ट ड्राइव और करके देखता हूँ कैसी चलती है, मज़ा आएगा वैसे चला के उसे, क्योंकि स्कॉर्पियो है ही वैसे मस्त गाड़ी, ऐसी बात नहीं है, गैंगस्टर टाइप की गाड़ी हो। तो आज चला के देख लेते भाई, मज़ा आएगा। एक बार का टाइम था हमारे गाँव में भाई, गाड़ी स्कॉर्पियो बहुत आई, एक ही दिन में कई कई गाड़ी आई स्कॉर्पियो। तो मैं हमारे यार दो जो होते थे वो कहते थे भाई तुम्हारे गांव में तो यार एक ही दिन में इतनी गाड़ी आ रही है, कहीं और शोरूम में मिली ना रही, तुम्हारे गांव वालों ने बुक कर ली। तो भाई हमारे गांव का रोड़ा था और है, ऐसी बात नहीं है। अभी पता नहीं कितनी आए भाई, अब तो वैसे इतना क्रेज नहीं है बच्चों का जो पहले होता था, अब फिर भी आएगी दो चार पाँच दस गाड़ी तो आएगी आएगी, बट मैं नहीं लाऊंगा, मेरी तो ये बलेनो ठीक है, ये लिए हुई अभी, देखेंगे इन फ्यूचर कोई गाड़ी चेंज होगी तो अभी तो यही रहेगी कुछ साल। आज सुबह सुबह एक जगह से कॉल आ रही थी, दादर है वहाँ मुंबई में ना, महाराष्ट्र में, तो वहाँ से कॉल आ रही, सर आपका शूट है, शर्ट का शूट है और 30 शर्ट होंगी जिनका शूट करना है मुझे, एज ए मॉडल करना है और एल साइज है। मैं भाई मैं एल साइज तो मेरे मतलब लूज आएगी, बिल्कुल ढीले डाले कपड़े। तो कह नहीं सर हम उसमें पीछे पिन लगा देंगे, वो हो जाएगा। मैं चलो ठीक है, मैं पेमेंट क्या दे रहे हो? तो कह रहे सर एक कपड़े पे हम देंगे 1200 रुपये। मैं 1200 रुपये तो बहुत कम है। तो कह रहे नहीं सर 30 पीस है। चलो भाई देखते हैं। फिर वो आने जाने मेरी बिगड़ गई उनसे बात, वो आने जाने का नहीं दे रहा यार, कह रहे नहीं सर आने जाने का नहीं, हम तो सोच रहे आप मुंबई में हो। मैं यार मैं यहाँ आया हूँ अभी, और अभी जा भी नहीं सकता यार, अभी ना बारिश हो रही है वहाँ बहुत, और बस ये शूट के लिए जाऊँगा। और इस टाइम भाई टिकट देखो तो उसकी क्या नाम है फ्लाइट की 8500-9000, ट्रेन से भाई मैं कभी गया नहीं सही बताऊँ तो वहाँ मुंबई। मुंबई की पहले मेरे मन में पता है क्या आती थी कि यार मुंबई, जब मैं पहली बार गया था कि मुंबई में जैसे उतरूंगा या तो फ्लाइट से उतरा तो वहाँ ऑटो में जाऊँगा, ऑटो से कहीं गया तो वहाँ वो मिल गए, इधर रुकने का ए, पर्स दिखाने का, पर्स क्या बिडू इधर आने का, तो मैं वहाँ मिलेंगे डॉन। तो वो हुआ नहीं वैसे, बहुत बढ़िया है, मेरे मन में आता था ये डर था कि मुंबई जाऊँगा वहाँ लूट लेंगे, मेरे पर्स छीन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है कसम से, दिल खुश हो गया वहाँ जब जब मैं गया हूँ। बस वहाँ क्या है ना यार, एक तो भीड़ भाड़ बहुत है, मतलब अपने यहाँ को जो एरिया है इसको मिस कर दे कि हाँ यार ये भी ज़रूरी है, लेकिन काम करना है तो भाई वहाँ है। लेकिन अभी बारिश हो रही है और उस मैडम से मैंने मना कर दिया कि जी मैं बिना मतलब आने जाने के फेयर तो होना चाहिए, पर नहीं सर अभी नहीं। तो भाई 1200 से भी 30 कपड़े जो थे, मतलब 36 के आसपास मेरा बैठ रहा था, तो आने जाने का नहीं कर रहे यार वो, तो मैंने थोड़ा डिनाई से कर दी। फिर भी मैंने थोड़ा वो रख दिया कि चलो बता देना मुझे जैसे भी है, बोले ठीक ओके सर। भाई ये है स्कॉर्पियो, अब मैं पीछे बैठा हूँ, पीछे बैठ के ना धचकी सी लग रही है, मैं सोच रहा है इसमें लगेगी नहीं नई वाली में ना, पर ये अब खींच के चला रहा है, समझ जाओ अब आप, करना भी थोड़ा तेज करना, मतलब वही है धचकी आ गए एकदम, मतलब सही है यार गाड़ी ना पहले वाले, हाँ पहली से तो बहुत गुना अच्छी है, बहुत 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 ज़्यादा, और इसमें एसी भी सही कूलिंग कर नहीं है कि आप तो इस वजह से कर रहा हो, लेकिन कलर इसका ब्लैक अच्छा लगता है यार, वाइट भाई वाइट तो मतलब जो साफ कर सके उनके लिए, लेकिन ब्लैक गैंगस्टा गाड़ी यार, मतलब अगर स्कॉर्पियो हो तो गैंगस्टा, वरना भाई कुछ भी कह सकते हो आप, मुझे तो गैंगस्टा वाली लगती है ज़बरदस्त। पीछे बैठ के मज़ा आ रहा है इसमें, और जब इसे चलाएंगे ना उस पर ऑफ रोडिंग वाली तो भाई हिल जाएंगे इधर उधर, जैसे थार या फिर किसी ट्रक में बैठे हो वो वाला हाल। ये जो अभी गाड़ी देख रही है ये ऑटोमेटिक है अपनी, अभी थोड़ी देर में चला के देखेंगे अच्छे से। ये देख गाड़ी पूरी हिल रही है भाई जबरदस्त। यहाँ आए तो भाई ने थोड़ा सा भी वेट नहीं कराया, इसने बोला भाई चल निकल गाड़ी लेके चलते हैं और टेस्ट ड्राइव करते हैं। अब इसने चला रखी कम से कम कितना है भाई,
80-90 की स्पीड में इसने चला रखी है और इसमें है 220 की स्पीड है। अच्छा ये बता, ये 220 चलाई तो ना चलाई अभी? 220 भाई इसने ना चलाई, 150 चला ली इसने, हिला है 150 भाई इतने ऐसे कहीं वैसे। हाँ यार 150 भी हिला है ना, हिला पहले की तरह नहीं तो भाई मस्त गाड़ी, दमदार गाड़ी यार। मतलब मैं हिल रहा हूँ पीछे बैठ के, ये ना हिल रहे क्योंकि इन्होंने हैंडल भाई ने हैंडल पकड़ रखा है ना इसके साइड का थोड़ा सा, ऐसे ताऊ की तरह ऐसे पकड़ लो। हाँ चलो भाई, तो गाड़ी मस्त है कहने का मतलब ये ऊंची गाड़ी, और जैसे ये बढ़ा दी लेंथ वेंथ तो बढ़ा दी होगी इसकी, बिल्कुल हाइट सबसे। हाँ उस दिन मुझे लग रहा था देख के कि इसकी हाइट वाइट सब कुछ बढ़ा दी है, लेकिन भाई इसमें दो और तीन पांच यहाँ, मतलब तीन लोग यहाँ आ सकते, दो हो ही गए आगे और पीछे दो, लेकिन बच्चे क्या जैसे छोटे छोटे बच्चे पीछे बैठा सके, बड़े वाले तो भाई दुखी हो जाएंगे यहाँ सिर लगे टक टक टक। वैसे सही है सिर में लगे कितना, खैर ज्यादा वो भी फॉर्म भी दे रखा है, ज्यादा ही दे रखा है। उस दिन देखी थी हमने वो थी मैनुअल है ना, ये है अभी ठीक है ऑटोमेटिक है, गाने चल स्पीकर वीकर बढ़िया बज रहे हैं इसके, 12 स्पीकर है ना। हाँ बिल्कुल सोनी के स्पीकर्स हैं, 12 दो सबवूफर दे रखे हैं इसके अंदर, सही दे रखे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। बाकी तो आप लोगों को उस दिन मैंने दिखाई दिया इसमें सब कुछ है, उस वीडियो में देख सकते हो आप। बाकी ये जो है ना इसके, उस दिन मैंने बैठ के देख रहा था शोरूम के अंदर, शोरूम में तो खैर ठंडा रहे, इसका पीछे वाला भी एसी बढ़िया काम कर रहा है, ये भी ठीक दे रखा है, वो एप्पल का दे रखा है, सही है यार ये बढ़िया कर दे, मतलब किसी पे यार सैमसंग का चीटिंग कर रहे हैं। हाँ यार सैमसंग वालों के लिए आगे, अच्छा आगे सैमसंग वालों के लिए फिर ठीक है, और पीछे मेरे जैसा कोई सैमसंग वाला बैठा हो अरे फिर भी यार पीछे होना चाहिए, दुखी हो जाएंगे, तो ये सही है जैसे भी कुल मिला के। इसमें पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं है, देखते हाँ बिल्कुल भी नहीं, देखते कितना पेट्रोल आएगा इसमें, कितना नहीं, कितने का टैंक है। तो भाई ये गाड़ी है वाइट कलर, इसका जो ये लोगो है ना ये चौमछड़ी वाली है, मुझे मस्त लगी इसकी ना, जबरदस्त है यार। कितने में फुल होती है कितने में नहीं, तो वह अभी आया इसमें 49 लीटर और 4761 का डला है अभी, चाबी है अब चला के देखते हैं इसको। गैंगस्टा फर्स्ट टाइम ये गाड़ी चला के देख रहा हूँ, वो भी ऑटोमेटिक, एक तो थार चलाई थी ऑटोमेटिक और एक ये और एक फॉर्च्यूनर चलाई थी, तो ये वाली मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ और अभी देखते हैं कैसे चलेगी कैसी नहीं। सीट बेल्ट बांध लिए मैंने, भाई ने बांध लिया अपने, कभी ठोक ठाक दे कहीं, अब चला के देखता हूँ 120 चलेगी कितनी चलेगी, देखते ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे मैं चाहता हूँ इसे कहीं पार्किंग की जो जगह है ना, पार्किंग यहाँ हमारे यहाँ है लेजर वैली, उसमें चला के देखूंगा कैसी चलेगी। तो इसका जो ये सनरूफ है ये खोल के देखते हैं एक बार, ये तो मैन्युअली खुल जाता है। हाँ हाँ ये वह अपना ये, लेकिन धूप हो रखी है इस टाइम ठीक नहीं है, तो बंद कर देते हैं सबसे बढ़िया है, वैसे गर्मी हो रखी है आज, मौसम बढ़िया हो रखा है वैसे, बारिश का से हो रखा है, बारिश होगी भी। अब आ जाते गाड़ी पे, मेन मुद्दा जो गाड़ी का है, चलाने मुझे सही लग रही है, सही ओके की रिपोर्ट है, हॉर्न वॉर्न भी ठीक गुजरा है इसका तो, लेकिन यार तो वह इस पार्किंग में लेके आया मैं इसे घुमाने के लिए। तो इसे थोड़ा भगा के देखा जाए, अब झूल तो नहीं रहा पीछे बैठा हुआ, ना ना पक्की बात है, बिल्कुल है, वो पन्नी लगी हुई है ना इस वजह से। देखो भागती तो मस्त है ये गाड़ी, जबरदस्त जो कहते हैं ना, मुझे लगता है ये फॉर्च्यूनर जो है ना, फॉर्च्यूनर खैर मैंने एक बार ही चलाई थी, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जबरदस्त गाड़ी लग रही है मुझे तो भाई, पहली बार मैंने ये चलाई है, ड्राइव करी है ये, और स्पीड तो सेकंडों में पकड़ लेती है। ये अब जो आवाज आ रही है ना इसमें, ये आवाज आ रही किसकी, सीट बेल्ट की, भैया सीट बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट जरूरी है, तो अब सीट बेल्ट लगा के फिर चलाते हैं। तो भाई अगर मेरे पास मेरा बजट होता तो मैं भाई ये गाड़ी ले लेता, और हो सकता ले भी लूँ मैं अभी गाड़ी, वैसे वो यार बदलना नहीं चाहता, लेकिन ब्लॉक्स के लिए कहीं पहाड़ी के लिए जबरदस्त गाड़ी है ये, कहीं भी घूमो, हिल्स एरिया में जाओ, कहीं भी गर्लफ्रेंड के घुमाओ, किसी को भी घुमाओ, आराम से चिल करके इस गाड़ी को ले जा सकते हो आप। इसमें जो फीचर्स दिए हुए मुझे, ये जो इसकी LED वगैरह इतनी प्यारी लग रही है ना मुझे, तो कोई कमी नहीं है इसमें, बस कमी एक मुझे जो लगी थी वो भी पीछे इसमें लगा रखी है इन्होंने, वो सैमसंग वालों का लॉस कर रखा है,
दे रखे एप्पल भाई, ये बात भी है भाई, जिसके हाथ में ये गाड़ी होगी वो एप्पल का तो रखेगा ही, बस सैमसंग का तो ये, इसलिए अब टाइप सी का वैसे सबका आ गया भाई। तो ये पार्किंग है भाई यहाँ, और एक बार ऐसे चला के देख लेता हूँ। मुझे पहले बतानी ये पी पे क्या है। ये पार्किंग है भाई, और आर रिवर्स, एन न्यूट्रल, और डी से ड्राइव। डी से ड्राइव जो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ, ड्राइव बिल्कुल, बस एक्सेलेरेट करो। तो यार आपने जब पहली बार आपने खुद ने चलाई तो कैसी लगी ये गाड़ी? गाड़ी बहुत ज्यादा गजब लगी भाई। और गाड़ी वैसे अटके हैं बिल्कुल, ये देखो ना सारे छोटे छोटे बच्चे से लग रहे हैं इस गाड़ी के आगे। ये तो है यार, सारी देखिए ना, सब सब की बिल्कुल छोटी लगी, बिल्कुल साइड से जा भाई, क्या हाल है, ठीक है, नीचे झोंक के सब ऐसे देखे। हां भाई बढ़िया, बिल्कुल गाड़ी वैसे तो मस्त है। हां जी। और थार, मतलब थार के लिए लोग आ रहे हैं या फिर इसके लिए ज्यादा आ रहे हैं भाई? अब तो इसका क्रेज आ गया है, इसका आ रहा है ना जो है ना, इसका इंटीरियर मुझे सच्ची में बहुत मजा आ रहा है इसे देख के। ये इन्होंने ये जो अलग से दे दिया, पहले ब्लैक ही थी पूरी, है ना? व्हाइट एंड ब्लैक थी, लेकिन इसमें स्पीकर, इसके स्पीकर भी ऐसे दे दिए ना इन्होंने कि अलग से बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है, 12 स्पीकर दे दिए। साउंड क्वालिटी भी सुनाई थी। हाँ, जबरदस्त भाई। इस गाड़ी की जितनी भी अभी बुकिंग आ गई, शुरू हो गई बुकिंग, बुकिंग बुकिंग ले भी नहीं रहे तो भाई ये बुकिंग अभी किसी को दे नहीं रहे, और बस ये टेस्ट ड्राइव के लिए अभी चला के देखो मजा आएगा नहीं आएगा देखना भाई। एक बार पंजा रख देता हूँ, एक बार चला के, ये सही है गाड़ी, कुछ भी कहो। मैं तो भैया अपनी गाड़ी बदल के इसको ले लूँ क्या, बताओ? लेंगे लेंगे बाबू, लेंगे तुझे भी लेंगे बाबू। तो ये भाई ये है गैंगस्टर गाड़ी सही में, बिल्कुल इसको गैंगस्टर, बड़े बड़े गैंगस्टर जो है ना। अरे यार मैं अभी पानीपत गया था, पानीपत से आ रहा था ना, तब क्या हुआ वहां टोल पे गाड़ी रुकी हुई, एक तो यही थी स्कॉर्पियो थी, एक व्हाइट कलर की थी, उनपे नंबर प्लेट नहीं था, बाहर गनमन लेके खड़े थे लोग। मैं डर गया, मैं ये हमें मारने मारने तो नहीं आए। फिर मैं सोचा यार मैंने तो ऐसा कुछ कांड कर नहीं रखा, गलत मैं करता नहीं हूँ, फिर भी डर गया यार। सच्ची में उस गाड़ी और जेड ब्लैक कर रखी थी मैं भाई, यहाँ तो इनका टोरा ही अलग है। ये वाली गाड़ी भी वही इसी रूट पे जाने वाली है धीरे धीरे, है ना? बिल्कुल। तो बस इसमें वो करवा लेते हैं, मैं लेऊंगा तो जब अगर कुछ ऐसा कभी डबका लगेगा तो भाई मैं इसको वो करवा लूंगा, क्या बोलते हैं उसको, अरे गोली वोली पार ना हुआ जो, बुलेट प्रूफ करवा लो ऐसे, फिर आराम से ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मुझे लगता है 15-20 लाख रुपए खर्चा आता होगा भाई। देखिए जाम लग रहा है, और इस जाम में देखिए ये जा रही बलिनो, छोटी लग रही बाबू, नहीं मतलब बहुत छोटी लग रही है अब मेरी गाड़ी भैया, छोटी कैसे हो गई। तो जाम में देख रहे हैं सबसे ऊंचे लग रहे, महाराजा की सीट है ना जैसे, वही लग रही पूरी। दबा देता हूँ एक बार, ये भाई ब्रेक, हल्के हल्के ब्रेक मार के देखते हैं पीछे गाड़ी ना हो बस। अब ये वो भी ना झोल जैसे ऐसे करे रही, ब्रेक पे ऐसे ऐसे करे रही, वो भी खत्म हो गया इसका, कि जो है 220 इसकी स्पीड है, और 220 पे 150 इस भाई ने चलाई रखी है, वैसे तो मैं भी ना चलाऊंगा, 150 ठीक ना है। यहाँ ये गाड़ी लग गई इनकी देखो, अरे ना लगी ना है भाई, ये तो टोचन करके ले जा रहे। अगर मेरा मन हो गया इस गाड़ी को लेने का तो यार मैं लूंगा ब्लैक कलर, मुझे ना ब्लैक अच्छी लगती है, व्हाइट में मुझे खास अच्छी नहीं लग रही है। वैसे नेता वेता लोग ले सकते हैं व्हाइट में, और ब्लैक में भाई नए जवान नए लड़के नया खून। जो ब्लैक गाड़ी है ब्लैक होगी, उसमें भी ये सेम ब्राउन की जगह सेम ही है, ब्लैक नहीं दे रखा ना, बस ये थोड़ी सी कमी से कर दिया ना। तो सारी ओके की रिपोर्ट भाई। तो भाई स्कॉर्पियो चलाने में मजा आया, अब आ जाओ वापस अपनी गाड़ी में, ये मेरी गाड़ी आ गई भाई वापस। तो भी स्कॉर्पियो चला के दिल खुश होगा कसम से, तसल्ली से चलाई एकदम, जैसे मन करा वैसे चलाई। और जिस भाई को स्कॉर्पियो लेनी है वो स्कॉर्पियो ले सकता है, मजे की गाड़ी है, मस्त गाड़ी है। जिसका मन कर रहा हो कि भाई मुझे तो फॉर्च्यूनर लेनी है और फॉर्च्यूनर का बजट नहीं हो रहा हो, वो इसको ले सकता है। फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, गाड़ी थोड़ी बड़ी भी कर दी है, मतलब मज़ा आएगा आप लोगों को चला के ना। बाकी जिसने जैसे चला रखी है वो तो उनको तो पता ही होगा। और जिस भाई ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी जाएगी। तो बस कर दो काम, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता।